हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय माइंड का वीडियो और आप लोगों का इतना प्यार दिखाने के लिए वेरी थैंक्स अ लॉट। मैं आप लोगों ने मेरे 40 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं सीधे 34 से 40। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ जो इस वीडियो को मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करने वाला। इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक और आर्मर, क्योंकि मुझे नहीं पता कब मुझे एक और आर्मर की ज़रूरत पड़ जाए। व्हाट, एक शेवल यहाँ पड़ा, ओके। तो फिर इसलिए कि मैं एक और आर्मर बनाने वाला हूँ। यार किधर पड़ा है मेरा सामान? डायमंड तो चाहिए भाई, एक स्टैग मुझे ब्लॉक्स ऑफ एमरल्ड्स चाहिए। तो मैंने रखे थे कहीं, एक तो एक कभी आइटम सॉर्ट करूँगा। व्हाट द हेक, सीरियसली ये मत बोलना मैंने सच में थे आने पे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें तो टोटल से बहुत गिनती चीज़ें, इसमें भी नहीं है। अभी मैंने रख कर दिया है। इसके अंदर कौन कौन सी पड़ी है? चैनलिंग, अनब्रेकिंग, मैंडिंग, इन्फिनिटी, मल्टी शॉट। इट्स ओके, चलो एक शील्ड रखते हैं अपने पास। आयरन भी है, ये भी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने कहीं तो रखे थे। हट, किसके अंदर थे? इसके नहीं तो इसके अंदर। हाँ पड़े हैं हाँ इसी के अंदर पड़े हैं। ओ, एक स्टैक मिल गया, चलो अच्छी बात है, मिल गया। क्राफ्टिंग टेबल मुंह के सामने ही पड़ा है क्राफ्टिंग टेबल। यार मेरे पास डायमंड्स पड़े हुए हैं, फिर भी लिया है मैं। एक है मेरा, ये आर्मर भी पड़ा है। मेरी एक्स, इसमें अनब्रेकिंग लगाना मेरे पे, लेकिन अनब्रेकिंग के लिए जाने का। एक ये अरे इनको पहले तो एकदम साइड में खिसका देता हूँ। एक ये शील्ड को यहीं रखता हूँ, डायमंड्स को इधर को पटक देता हूँ। अबे तू किधर जा रहा है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। चलो इसके अंदर मैं अपने लिए एक आर्मर बनाने वाला हूँ, ताकि किसी को भी पता ना लगे मेरे पे कुछ क्या क्या है। अब लैपेस्ट ढूंढूंगा थोड़ा, छोड़ो इस टाइम मैं डायरेक्ट चलता हूँ। आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा तो मैंने एक जेल बनाई थी और उस जेल पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरे। उसी जेल की वीडियो पे आप लोगों ने मेरे इतने सब्सक्राइबर करा दिए। आई एम वेरी थैंक्सफुल कि मुझे आप जैसी पब्लिक मिली है। लेकिन इस टाइम मैं आज चलता हूँ यार, ये तो जब भी मैं चलता हूँ। शिट, मैं भूल गया था, जब मैंने जगह एक्सप्लोर फोड़ दी थी मैंने।
ये नहीं किया था। शिट यार, मैंने क्या कर रखा है। ऐसे ही करूँगा इसे किसी दिन। तो मेरे पे इस टाइम सब कुछ मैक्स लेवल है। पिक एक्स, एक्स बोट, ट्राइडेंट, गोल्डन एप्पल से टोटम है बहुत। मेरे पे अपना पीवीपी किंग है, इसका नाम रखना चाहिए मुझे पीवीपी गॉड, और सर्ट का ना पीवीपी डेविल। अभी उधर पहुंच के रखूँगा। व्हाट, ये माइनक्राफ्ट। एक मिनट, ये मेरी माइनक्राफ्ट तो नहीं है, ये मैंने तो नहीं रखी, मुझे इतना पता है। अभी जिसने भी रखी है अभी उधर जाके पता लगेगा। क्या पता मैं किसी और के बेस के अंदर चले जाऊँगा अब, क्योंकि जब से मैं मेरे साथ ये पता लगा मुझे। रुको, मैं इसे बो से करने की कोशिश करता हूँ। भाई अपना निशाना ख़राब है, इतना माइनक्राफ्ट हो थोड़ा कच्चे हैं। सॉर्ड हाथ में रखते हैं, फूड टोटम है, शील्ड तो मैंने टीएनटी के लिए रखी है जब टीएनटी एक्सप्लोर हो। भाई इस टाइम मुझे बिल्कुल बहुत डर लगता है मेरे वर्ल्ड के अंदर। जब से कोई घुसा है ना, तब से जो मैंने उसके लिए ट्रैप्स बनाए हैं, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल तो नहीं कहूँगा, खैर वो एकदम ऐसे डेडली ट्रैप तो नहीं है, वो ऐसे ट्रैप है हाँ, उनसे बच ही नहीं सकता कोई मरने से, मरेगा तो गारंटेड। लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता कि है कौन मेरे वर्ल्ड के अंदर आया, क्यों, कोई वजह, कोई किसी ने कुछ बोला उससे। भाई यहाँ पे ओशन भी है, ओशन नहीं है, मैं जब भूल गया हूँ ना काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो अपने इस साइड, क्योंकि इस साइड मेरा जाना आना ज़्यादा आना होता नहीं है। भाई फुल तलवार रेडी है मेरी, अब ये सीधे मुझे मेरे घर ले जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग शायद मेरे घर के अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मैं कह नहीं सकता। अच्छा यार क्या कर देख जाता हूँ, हाँ चलो फिलहाल डरने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे वर्ल्ड के अंदर कोई होता तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे थोड़ी मिलेगा। घर तो नहीं कहूँगा, ये मेरा ओल्ड घर है। मुझे जानना है इसके अंदर मैंने रख क्या रखा है। ओह लो यार, मेरा सारा एमरल्स का खजाना ये रहा। अच्छा किस्मत ही ख़राब है, मैं उसे वहाँ ढूंढ रहा हूँ, ये यहाँ है। और आप लोगों को अगर याद हो तो ये मेरा सबसे पहला घर था, इसमें अभी तक पड़े हैं 9 एमरल्स। आयरन के टूल यार, और ये एरोज, वो लेपिस पड़ा है, थैंक यू जो लेपिस मिल गया मुझे। फिर मैं सोच ही रहा था मुझे लेपिस ले जाना चाहिए। इसके अंदर अपना थोड़ा सा दो पोर्शन से रख देता हूँ, ये वैसे आर्मिंग के पोर्शन से, जिसे नहीं पता हो तो उसे ही बता देते हैं हमें। तो अभी ये हेलमेट, ये
मुझे इसके अंदर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना देखना। मेरा एक स्पेयर आर्म यहाँ पड़ा है, नदर अडर बन सकते हाँ इतना सब तो पड़ा है, और क्या चाहिए एक प्लेयर को। फायर पॉट मुझे नहीं चाहिए, फायर पॉट नहीं चाहिए यार। फायर अबे भाई यार, फायर पे अटका हुआ है क्या यहाँ पे ब्लास्ट? तो इसी के साथ ही बेकार है यहाँ पे। अगर मैंने इंचेंट किया तो मेरा किस्मत टूट गया। चलो एक बार कुछ बुक्स को ख़राब कर देता हूँ मैं, इंचेंट करके ख़राब कर देता हूँ। एक बुक ट्राई करते हैं, अनब्रेकिंग वन ओके, लेकिन उससे पहले देख लो। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन 3 आई विल टेक इट। अनब्रेकिंग 3 नाइस यार, इस पर प्रोट 3 मिल गई थी, लेकिन यार इतना लेवल नहीं है ना। क्या करूं यार, किस्मत खराब है बहुत, हमें तो अपनी किस्मत ने लूट लिया। रात हो रही है, मैं भी सोऊंगा यार। मुझे अभी भी ये जगह अच्छे से याद है, यहाँ पे मैंने गोल्ड एमरल्ड्स भर के स्मगलिंग करता था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वह देख लो कहीं मेरे मेंडिंग विलेजर हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्रैक चल दिए तो चलेगा, तो ट्राई तो अरे तो आए यार। तो भाई कौन है यार मेंडिंग विलेजर? पहले मुझे अपने आर्मर में फुल में मेंडिंग ठोकनी है। मेंडिंग ओके, एक्स नहीं लाया, लानी चाहिए थी। हाँ कितनी मेंडिंग चाहिए? 1 2 3 4 चार मेंडिंग, 1 2 3 4 रखो। फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं चाहिए, वुड नहीं चाहिए। भाई आप आओ और हमसे मेंडिंग, हमें मेंडिंग दीजिए। पूरा आर्मर पर मेंडिंग तो हो गई, मेंडिंग का काम तो मैंने कर दिया। अब बारी आती है प्रॉट की, प्रॉट 4 वाला। तो ये ना प्रॉट 4 जो बेचता है लक ट्रेड निकल गए। कौन है तू? मल्टी शॉट तो काम का बनता है मेरे को के लिए। भाई आप है ना सर, आप प्रॉड देते हैं हमें अनब्रेकिंग। जब आए हैं तो अनब्रेकिंग खरीद के जाते हैं, है ना? प्लस अपना यहाँ ये सामान थोड़ा रख देता हूँ, दो स्टैक एम्बुलेंस ले निकाल लेता हूँ। मल्टी शॉट तो नहीं चाहिए यार, अभी गलत काम गलत हो जाता। इन्फिनिटी नहीं, एक एक दो तीन, अभी तीन ही खरीदी गई क्या? हमें तो अपनों ने लूट लिया। हमें यार ये बुक शेल्फ क्यों नहीं देते सारे विलेजर? इन्हें बुक शेल्फ भी देनी चाहिए। अबे
भाई मैं मुंह फोड़ दूंगा किसी का, भाई कहीं मार दूंगा आज। मेंडिंग वाले तू ही है जो बुक्स देता मुझे। चलो मेरी इसी बहाने मेरी आर्मर और वो भी रिपेयर हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं इन्हें, अब मेरी पिकैक्स, हाँ ये भी रिपेयर हो रही है। अच्छा भाई तू ये ना तो रुक रुक जा, मेंडिंग मेंडिंग, हाँ ये चार तो मेंडिंग है। अनब्रेकिंग, भाई अभी प्रोटेक्शन जो देगा मजा आ जाएगा। व्हाट, मैंने पावर वन खरीद ली। व्हाट मेंटिंग तो नहीं चाहिए इस टाइम। यार मुझे याद है मैंने एक प्रोटेक्शन का बंदा बनाया था, ये मत बोलना मेरे को किडनैप हो गया वो बंदा। दो मेंडिंग वाले हैं यार, तू तो नहीं कहीं। एक को इन्फिनिटी का, ये तो भाई आप बताइए, तू तो पहले से बेकार है, तीन बार तो बेकार का। मल्टी शॉट यार कोई तो दे दो प्रॉट फोर। सच में क्या मेरे पे प्रॉट फोर का बंदा ही नहीं है क्या यार? अगर ऐसा हो दिक्कत हो जाएगी। कहाँ गए मैं सुनकर, चलो इट्स ओके गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा अभी मैंने ये थोड़े से ये ट्रेड किए हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी सामान को अपने पास रखने वाला हूँ। यस ये उठा लेता हूँ, ये उठा ले, काम आएंगे कभी ना कभी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, अब मैं मिलूँगा आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिसे भी इस वीडियो के अंदर मज़ा आया तो वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसे भी अभी तक इस वीडियो के अंदर मज़ा नहीं आया वो प्लीज़ यार मज़े लेना सीख लो, प्लीज़ लाइक करो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स दिखा दो ताकि मैं भी एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं मैं आप लोगों को सब्सक्राइब दूंगा। मेरे पे 6 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल है, एक पिंक स्टेप है ना, वैसे पिंक स्टेप है, ड्रैगन हेड है एंड ड्रैगन है। ये एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढे थे, ये ऑफलाइन ढूंढे थे लगभग 3-4 दिन, मेरी बहुत टाइम जो वीडियो नहीं आई थी वो इन्हीं को ढूंढने में लगी थी। सो इट्स ओके बाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।